हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग पर। आज हम लोग जा रहे हैं कुछ मज़ेदार सफ़र की ओर। आज जहां हम जा रहे हैं चाईबासा से, वो करीबन 15 से 16 किलोमीटर की दूरी में है। सो आप बने रहे हमारे वीडियो में और इस सफ़र का आनंद लें। देख सकते हैं पहाड़ के सामने हम लोग पहुंच चुके हैं और ये खुड़पानी है। और खुड़पानी का खास बात यह है कि यहाँ पर एक चर्च है। काफी मस्त लग रहा है जो नजारा। इधर से गाड़ी चला सकते हो लेकिन उतना ऊपर नहीं ले जाएगा, तो वहाँ रखोगे कहाँ? देख सकते हो लंबे लंबे बांस हैं यहाँ और ये लंबे लंबे कैक्टस भी है। क्या गुंडी, ताराई? ओ ये विलेज का नाम ताराई है। ओ निपात हो रहा कनका जी, एन झरना था। ये सब पूछ रहे हैं साग के बारे में और ये लोगों को साग का ज्यादा क्रेजी है। अलग से अलग साग, ये लोग वैरायटी साग खाना पसंद करते हैं। देख सकते हैं लोग काफ़ी व्यस्त है बात करने में। और अभी फिलहाल तो गाड़ी में रहने से हवा मस्त लगता है, लेकिन पैदल चलने से पसीना बहुत आता है। देख रहे नाम हेलो हेलो गौरव जी, ये बांस का छाया है पूरा मस्त। देखो देख सकते हैं छोटा सा झरना है ये जगह। थोड़ा थोड़ा जा के आते, अब आए हैं तो देख लेते हैं। यहाँ से भी जाया जा सकता है लेकिन पानी पानी होते हुए जाना पड़ेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं पानी को रोका गया है ताकि स्टोर रहे कुछ कुछ पानी। काफी मस्त नजारा है भाई, लेट्स गो आगे आज। सो दोस्तों, आप सभी ने ये वीडियो अगर नहीं देखा है तो प्लीज YouTube में हिडन वैली ऑफ सीकेपी सर्च करके भी देख सकते हैं। और मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में ये लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और इस वीडियो में आप सभी को ड्रोन शॉट और सिनेमेटिक शॉट देखने को मिलेगा इस जगह का। हाँ सीधा जाना है और हम लोग को एक चट्टान चढ़ना होगा। देख सकते हैं काफी सुंदर नजारा है। वो क्या बात है, मस्त लग रहा है। जाना का जाना पूरा मना आदत चल के काको सुनो एंते। अब जंगल झाड़ी में घुसना पड़ेगा, ये एक चैलेंज है। फ्रॉम दिस साइड आई सीन द रूट, बट हम लोग आए थे उस समय, देखें
सीन द रूट, ये देख सकते हैं झरना, सब झरना वाला पानी है, कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं आ रहा है, झरना का पानी है सब। अभी फिलहाल देख सकते हैं झरना इधर से आ रहा है। अब चढ़ेंगे हम लोग पहाड़ की ओर, और चढ़ान में सबका जूता भींग सकता है, सो नहीं हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई, क्योंकि हमको पता है कि कहाँ कहाँ से पार होना है। सो गाइस आप लोग अभी इस सीजन में आ सकते हैं, और पानी थोड़ा कम है, जो पहले वाला ब्लॉग में जो पानी दिखाए थे या झरना दिखाए थे उसके मुकाबले अभी कम है पानी। और यहाँ देख सकते हैं तितली सब उड़ रहे हैं छोटे छोटे, अब यहाँ से पार होंगे तो हम लोग का स्वागत तितली सब करेंगे। स्वागत नहीं करोगे हमारा? हाँ चलो लेट्स गो, सकते हैं काफी जुमार जगह है, और यहाँ से सब निकल रहे हैं, और इधर भी है देख रहे हो जंगल वाली गली। यहाँ पर पूरा छेका हुआ था इस जगह पे, लेकिन इसको काट के साफ कर दिया पहले, लेकिन बहुत मजा आता था इस जगह से पार होने में, लेकिन अभी साफ हो चुका है। हाँ बहुत मस्त झाड़ी था, देखने लायक था, मैंने रिवील किया जा सकता था, उसको हटाओगे पेड़ तो जगह दिखेगा पूरा मस्त। हम लोग इधर से जाएंगे, देख सकते पाइप सब लगा हुआ है पानी सप्लाई के लिए, पानी को स्टॉक किया गया है, उतना पानी नहीं है मगर पानी ना होने से अच्छा पानी होना जरूरी है, इसलिए बनाया गया। और ये सब धो रहे हैं, देख सकते हैं काफी मस्त दिख रहा, ऊपर पहाड़ है जो कि पेड़ों से छिका हुआ है, सो इधर खेत है, डाउन बाय डाउन है, देख सकते हैं उधर साइड भी पेड़ है, और काफी हरा भरा जगह है, देखिए मौसम भी मस्त, बादल देख सकते हैं। ये सब मेरे दोस्त जो कि आ रहे हैं, अभी हम लोग चढ़ेंगे चट्टानों में, यहां से पानी है लेकिन थोड़ा बहुत, इधर कोना से हम लोग को जाना पड़ेगा आई थिंक, देखिए रास्ता थोड़ा सा आप सभी को खोजना पड़ेगा, अगर आप आ रहे हैं तो हिडन बेली ऑफ सिकेपी में, मैंने हिडन वाटरफॉल कुटपानी का, ये जो हिडन वाटरफॉल है खुटपानी के पास है। सो दोस्तों आप सभी आएंगे आएंगे तो पानी रहेगा तभी आइएगा, वरना यहाँ आना वेस्टेज है। हाँ लेकिन ट्रैकिंग के लिए मजे ले सकते हैं अगर बिना पानी का आपको ट्रैकिंग करना है तो। सो गाइस सब आ रहे हैं कि नहीं देखते हैं, आ जाएगा फिर से, आ जल्दी बारे। और ये झरना देख सकते हैं, अब इसमें हम लोग ट्रैकिंग करेंगे, सो लेट्स गो, देख सकते हैं ऐसे जगह अकेले कृपया ना आए, क्योंकि ये जगह थोड़ा सुनसान है, और साथ में बिना ग्रुप, अरे यार पानी तो जबरदस्त गिर रहा है यार, देख सकते हैं यार झरना देख सकते हैं काफी मस्त गिर रहा है, और मजा आ रहा है। ओ भाई क्या मस्त जगह है यार, देख सकते हैं झरना ये रहा।
यह है वो झरना। काफी मस्त है यार। अरे कैमरा लाना भूल गए हम लोग। ड्रोन भी नहीं लाए। देख सकते हैं मस्त पानी का बहाव है, लगता है कि ऊपर पानी बहुत है। ऐसे ही चढ़ना है? यहाँ से चढ़ सकते हो, यहाँ से चढ़ सकते हो, तुमको जैसा मन करे वैसे चढ़ो। कहे कि ये जगह पूरा पहाड़ी है, पूरा पानी पानी है। देख, और जाने के लिए केवल ये रास्ता है या तो ये रास्ता है। और मैंने जूता पहन चुका, जूता में आया। सो गाइज, सबको अपना चप्पल पहन के आए। सब पैर ऊपर कर रहे हैं, हम तो शॉर्टकट तरीका अपनाएंगे। सो हम जा रहे हैं इधर से। मेरे जूता को प्रोटेक्ट करना है ना पानी से। सो लेट्स गो। सब डर रहे हैं, कृपया जल्दी आए ताकि ऊपर का मजा ले पाए। अबे ऊपर बहुत मजा आता है, जल्दी आओ। ये तो झलके हैं, छोटे छोटे झलके। झरना से इतना पानी गिरे तो कितना मजा आता है यार। हिडन वाटरफॉल, हो भाई क्या मस्त है। देख सकते हो ऊपर, खतरनाक है। ओह काफी खतरनाक है, चट्टान, बड़े बड़े चट्टान। यहाँ से जाना पड़ेगा फिर हम लोगों। देख भाई, पानी से भी जाया जा सकता है, लेकिन मैं अपना जूता क्यों गंदा करूँ। देख सकते हैं झरना जो पहुंच रहे हैं हम लोग। ये जो झरना है यहाँ से आता है। ओ भाई, जितना आगे जाते जा रहे हैं उतना झरना का तेज बहुत ज्यादा है। क्या हो गया? अब चढ़ने के लिए ये एक तो जगह है, और यहाँ से तो चढ़े नहीं पाओगे। देख सकते हो बहुत भयंकर पत्थर से। लो बोनी हो रहा है, वहाँ जाना है, उस जगह पे जाना है। हाँ तो इधर से जाना होगा। चढ़ो चढ़ो चढ़ो, हम पसीना हो गए। अब मेरा टर्न। क्या हुआ? हाँ हेलमेट ले जा सकते हो वहाँ। अरे छोड़ दो ना यार, कोई दिक्कत नहीं है क्या? अरे पहले से पानी कम हो गया क्या? हाँ कम हो गया, देख सकते हैं ये झरना। नहा सकते उस ब्लॉक पे जरूर विजिट करें, और वहाँ पर समथिंग अराउंड 2000 से ऊपर व्यूअर्स देख चुके हैं। अगर आप सभी ने नहीं देखा हो तो प्लीज़ हिडन वैली ऑफ सिक्योरिटी को जरूर देखें मेरे ब्लॉग में, और आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो आप जाके वहाँ से भी देख सकते हैं। कृपया इस जगह को कचरा ना करें।
जो जो अपना खाने का सामान जो खा रहे हैं प्लास्टिक वगैरह यहाँ ना फेंके, ताकि इस जगह का सौंदर्यकरण ऐसी बना रहे। और कचरा होने से क्या होता है कि यहाँ का दृश्य पूरा खूबसूरती जो पूरा खराब हो जाता है यार। नेचर को गंदा नहीं करना चाहिए। तो गाइस देख सकते हैं काफी मस्त नजारा है, ये देख सकते हैं। ओह क्या नजारा है। दोबारा इस जगह को रिवील करके मजा आ गया यार। पहले इससे भी ज्यादा पानी था यहाँ, लेकिन इस बार बहुत कम है। सो गाइस देख सकते हैं उस छोर से गिरता ये वाटरफॉल। और पिछले बार हम लोग यहाँ बैठे थे छाया में, आओ हम लोग अड्डा दिखा रहे हैं। पहले इस जगह में हम लोग बैठे थे, अब देख सकते हैं गिटार शॉट है उस ब्लॉग में जो यहाँ पर बैठ के शूट किया गया था। ये रहा देख सकते हैं, ये रहा वो सीन। यार चट्टान चढ़ चढ़ के काफी टायर्ड फील हो रहा है यार, मुझे चाहिए पानी। और पानी के बिना आप ट्रैकिंग नहीं कर सकते, सो हमेशा पानी रखा करें। मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी कम होगा शायद, इससे पहले जब बारिश सब हो रहा था शायद उस समय बहुत ज्यादा पानी था होगा आई थिंक। क्योंकि यहाँ का जो काई देख के लग रहा है कि काफी पानी गिरा था। नजारा मस्त है। और इस जगह का आपको ड्रोन शॉट देखना है तो कृपया मेरे दूसरे वीडियो में देखिए जो कि है हिडन वैली ऑफ सिकेपी, वहां पर आप लोग इसका टॉप व्यू और क्लोज व्यू देख सकते हैं। काफी धूप हो गया। सो गाइस हो गया मस्ती और अभी हम लोग चलेंगे घर की ओर। और जाते जाते कुछ कुछ सीनेरी आप सभी को दिखाना चाहता हूँ। सो देख सकते हैं इधर से होते हुए ये जाती है वाटरफॉल की पानी, और इधर होते हुए आपका खेतों में जाती है। और यहाँ के किसानों के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि झरना का पानी उन लोगों का खेत में जाती है और मस्त हरा भरा धान उगता है। सो दोस्तों आप सभी को ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएं, और साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। और वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हिडन वैली ऑफ सिकेपी का। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे।